सेक्शन 203 ट्रायल बाय स्पेशल जज, यानी कि हम चूँकि ये पढ़ रहे हैं कि जो भी ऑफेंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आप लोग कमिट करोगे उसका फिर आपका ट्रायल किया जाएगा। तो ये ट्रायल बेसिकली सेक्शन में बताया गया है कि वो ट्रायल जो है ना टैक्स पेयर डिफॉल्टर का, वो स्पेशल जज करेगा। सो इस सेक्शन में बेसिकली स्पेशल जज से मतलब कि चार पांच चीज़ें डिस्कस हुई हैं, मतलब कि ये स्पेशल जज कौन होगा नंबर वन, सेकेंडली स्पेशल जज का हेड ऑफिस कहाँ होगा, थर्ड नंबर पे कि इसका जो है वो अपॉइंटमेंट कौन करेगा स्पेशल जज की, और नंबर फोर ये कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है स्पेशल जज की, मतलब ये जो अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा ट्रायल करेगा टैक्स पे डिफॉल्टर का वो किस लोकल लिमिट के अंदर करेगा, नंबर फाइव ये कि इसकी ट्रायल की प्रोसीडिंग किस कानून के तहत होगी, नंबर सिक्स आप ये कह सकते हो कि जो इस पर मैंशन सेक्शन में डिस्कस हुई है कि इसकी जो प्रोसीजर का तरीकाकार है कुछ के किस तरह किया जाएगा, क्या इसकी पावर ड्यूटीज अप्लीकेशन होती है ड्यूरिंग ट्रायल स्पेशल जज की, ये चार एक पाँच छः चीज़ें ही जो है वो बेसिकली इसमें कवर की गई हैं सेक्शन के अंदर। जो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 203 ट्रायल बाय स्पेशल जज सब सेक्शन वन, इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि ये जो स्पेशल जज की अपॉइंटमेंट जो है वो किसने करनी है, वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। सो सब सेक्शन वन स्टेट दैट द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एज मैनी स्पेशल जजेज एज इट मे कंसीडर नेसेसरी एंड वेयर इट अपॉइंट मोर देन वन स्पेशल जज इट शैल स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन द टेरिटोरियल लिमिट विद इन विच ईच ऑफ देम शैल एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन। सो सिंपल है सब सेक्शन वन के जो स्पेशल जज की अपॉइंटमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट करेगी, ये एक सरकारी गैजेट जो है ऑफिशियल गैजेट उसमें एक नोटिस के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट करती है, एक से ज़्यादा स्पेशल जजेस की भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है, और जब एक से ज़्यादा स्पेशल जज अपॉइंट होते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है कि उसने नोटिस में ये चीज़ भी स्पेसिफाई कर देनी है कि किस स्पेशल जज की कितनी टेरिटोरियल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब किस पर्सन का कितना इलाका है, वो कहाँ पर ऐसा स्पेशल जज अपनी जो ये पावर है टैक्स पेयर डिफॉल्टर का जो इन ट्रायल करने की, वो अपनी ये फंक्शन डिस्चार्ज कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। सो सब सेक्शन वन का आगे जो प्रोवाइजो है वो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर दैट अ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 185 ऑफ द कस्टम एक्ट 1969 शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इसी तरह जो स्पेशल जज जो है वो कस्टम एक्ट 96 सेक्शन 185 के तहत अगर अपॉइंट हुआ होता है तो कोई है स्पेशल जज, तो फेडरल गवर्नमेंट ने अगर उसी को ही स्पेशल जज अपॉइंट किया है तो उसने नोटिस के अंदर ये चीज़ भी नोटिफाई कर देनी है कि जो भी ऑफेंसेस इस ऑर्डिनेंस के अंदर बताए गए हैं उनको हवाले से ट्रायल करने के हवाले से इस स्पेशल जज की ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब यानी कि वो ट्रायल कर सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 1A जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो स्पेशल जज है वो कौन पर्सन ऐसा स्पेशल जज अपॉइंट हो सकता है, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट किसी पर्सन को ऐसा स्पेशल जज अपॉइंट कर रही है तो वो कौन पर्सन ऐसा स्पेशल जज अपॉइंट हो सकता है। सबसेक्शन 1A स्टेट दैट अ स्पेशल जज शैल बी अ पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ सेशन जज, मतलब सिंपल है कि हैज़ बीन या यानी रह चुका है, हु इज़ है, यानी ये शो कर रहा है कि जो पर्सन एक रिटायर्ड सेशन जज होगा या जो करंट सेशन जज होगा सिर्फ वही पर्सन एक स्पेशल जज के तौर पर अपॉइंट हो सकता है। एंड शैल ऑन अपॉइंटमेंट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई एक्सक्लूसिवली एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस पार्ट, और जब वो पर्सन ऐसा स्पेशल जज अपॉइंट हो जाता है तो जितने भी ऑफेंसेज इस पार्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं उनके हवाले से ट्रायल करने के हवाले से इस स्पेशल जज की एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होती है, यानी कि कोई और कोर्ट जो है वो जो ऑफेंसेस इस पार्ट के अंदर डिस्कस किए हैं उनके हवाले से कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ट्रायल नहीं कर सकता। एक्सेप्शन इसकी ये है अदर देन ऑफेंस रेफर्ड इन सेक्शन 198, मतलब जो सेक्शन 198 के अंदर जो ऑफेंस इस पार्ट के अंदर डिस्कस किया हुआ है इसके हवाले से स्पेशल जज के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। सेक्शन 198 के अंदर ये ऑफेंस बताया गया था कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट बगैर किसी अथॉरिटी के जो कॉन्फिडेंटल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज कर देता है तो जो वो एक ऑफेंस थी, उसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल जज की एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अदरवाइज जितने भी ऑफेंसेस इस पार्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं उसके हवाले से ट्रायल करने के हवाले से स्पेशल जज की एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 1B कि जो भी जो ट्रायल कर रही है स्पेशल जज उस दौरान ट्रायल के दौरान जो उसकी प्रोसीडिंग है उस पर कौन से कानून के मुताबिक जो है वो ट्रायल किया जाएगा। सो कह रहे हैं द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्सेप्ट दोज ऑफ चैप्टर 38 देयर ऑफ शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ अ स्पेशल जज एंड फॉर द पर्पस ऑफ द सेट प्रोविजन। सो सिंपल वो कह रहे हैं कि
सीआरपीसी की प्रोविजन ही एप्लीकेबल होंगी, जो भी स्पेशल जज की जो प्रोसीडिंग कर रहा है ना उस तमाम प्रोसीडिंग पर सीआरपीसी की प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी, सवाए सीआरपीसी के चैप्टर 38 की प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगी। एंड फॉर द पर्पस ऑफ द सेट प्रोविजन द कोर्ट ऑफ स्पेशल शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइंग केसेस। और अब चूंकि ये सीआरपीसी की प्रोविजन एप्लीकेबल और इसकी प्रोसीडिंग पर स्पेशल जज को भी का स्टेटस भी कोर्ट ऑफ सेशन के जज का होगा एंड अ पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन जज, और इसी तरह जो केस को प्रोसिक्यूट करा होगा सेशन जज के सामने उसका भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ही स्टेटस होगा, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही समझा जाएगा। सबसेक्शन 2 अ स्पेशल जज शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एंड हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एन ऑफेंस ट्राइबल अंडर सबसेक्शन 1, मतलब वो तमाम ऑफेंसेस जो कि इसके सबसेक्शन 1 के अंदर बताए गए थे उनके हवाले से स्पेशल जज जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन है और वो कॉग्निजेंस ले सकता है। कब? देन व्हेन ओनली अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द कमिश्नर, यानी जब कमिश्नर से मतलब जो भी इस ऑफेंसेस के पार्ट के अंदर सॉरी ऑफेंस डिस्क्लेयर किए गए हैं स्पेशल जज के पास उसको ट्रायल करने की जुरिस्डिक्शन तो है, वो कॉग्निजेंस भी ले सकता है, लेकिन तभी ले सकता है जब उसे रिटन कंप्लेंट मौसूल हो किसकी तरफ से, कमिश्नर की तरफ से। प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑफेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम विच हैज़ रिजल्टेड इन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ रुपी 100, यहाँ पर मिलियन का वर्ड मिसिंग है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑफेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम विच हैज़ रिजल्टेड इन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ रुपी 100 एंड अबव इन केस ऑफ अ फाइलर एंड रुपी 25 million रुपी अबव इन केस ऑफ अ नॉन फाइलर द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 203B शैल बी एप्लीकेबल। सो प्रोवाइजो ये कहती है कि जब ट्रायल कर रही स्पेशल जज और जो ऑफेंस है किस ऑफेंस का ट्रायल हो रही कंसीलमेंट ऑफ इनकम का कि टैक्स पेयर डिफॉल्टर ने इनकम कंसील की है और अब जो टैक्स पेयर डिफॉल्टर है अगर तो वो फाइलर है और जो उसने इनकम कंसील की है उसकी जो अमाउंट है मतलब जो उसने टैक्स पे नहीं किया उस नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स की जो अमाउंट है फाइलर के केस में अगर वो 100 million या उससे ज़्यादा है और नॉन फाइलर केस में जो उस टैक्स उसने पे नहीं किया उसकी अमाउंट 25 million या उससे ज़्यादा है तो अब सिचुएशन में 203B की प्रोसीडिंग अप्लाई होगी। 203B के अंदर ये होता है कि इस पर्सन को टैक्स पे डिफॉल्टर को बेसिकली अरेस्ट कर लिया जाता है। सो वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब ट्रायल अब यहाँ पर जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर की दो टर्म यूज़ हुई हैं, इनको भी क्लियर कर लेते हैं। फाइलर वो पर्सन होता है जिसने हर साल अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है, सॉरी जो इसने हर साल अपनी रिटर्न सबमिट की होती है यानी अपना टैक्स पे किया होता है हर टैक्स ईयर, उसे हम फाइलर कहते हैं। इसी के ऑपोजिट अगर एक पर्सन अपना जो है किस हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाता, हर साल अपना टैक्स पे नहीं करता, या वो पर्सन जिस जो कि FPR की साइट पर रजिस्टर ही नहीं, नहीं 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 वो तो है ही नहीं ना रजिस्टर, वो कह रहे हैं इसके वर्क्स वो पर्सन जो कि अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करवाता किसी टैक्स ईयर में, तो वो पर्सन जो है वो या किसी टैक्स ईयर अपना टैक्स नहीं पे करता तो वो पर्सन जो है वो नॉन फाइलर होता है। सो फ़र्क इसमें ये है दोनों के दरमियान कि अगर एक पर्सन बगैर किसी नागे के हर टैक्स ईयर अपनी रिटर्न सबमिट करवाए अपने पर जो उसके टैक्स लाइबिलिटी है वो पे करे वो फाइलर होगा। इसी तरह अगर एक पर्सन किसी वैसे तो अपनी रिटर्न सबमिट करवाता है लेकिन किसी टैक्स ईयर वो अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कराता यानी अपना टैक्स पे नहीं करता तो वो नॉन फाइलर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक पर्सन 2021-2022 के टैक्स ईयर में रिटर्न सबमिट करवाए लेकिन 2023 में जमा ना करवाए तो वो जो है वो नॉन फाइलर हो जाएगा। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं प्रोविजो में कि जब एक ऑफेंस है कंसीलमेंट ऑफ इनकम का उसका ट्रायल हो रहा है सेशन स्पेशल जज के सामने और उस दौरान उसे पता चलता है कि जो टैक्स की अमाउंट जो है वो पे नहीं की गई फाइलर की तरफ से उसकी अमाउंट जो है वो 100 million या उससे ज़्यादा है और नॉन फाइलर केस में जो टैक्स की अमाउंट पे नहीं की गई जो यानी कि जो डिफॉल्ट टैक्स की अमाउंट है वो 25 million से ज़्यादा है तो वो 203B की प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगा यानी कि अगर वो फाइलर होगा तो उसको अरेस्ट करेगा, अगर नॉन फाइलर होगा जिसने टैक्स की चोरी होगी तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि 203 के तहत अरेस्ट ही किया जाता है। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब है सबसेक्शन 3 द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट द ट्रांसफर एट एनी स्टेज ऑफ अ ट्रायल, मतलब ट्रायल के किसी भी स्टेज के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक रिटर्न ऑर्डर के थ्रू ऑर्डर कर सकता है क्या ऑफ एनी केस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ वन स्पेशल जज टू द कोर्ट ऑफ अनदर स्पेशल जज फॉर डिस्पोजल, यानी कि केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो किसी भी स्टेज ऑफ ट्रायल के एक केस को एक स्पेशल जज से दूसरे स्पेशल जज को ट्रांसफ़र कर सकता है ट्रायल के किसी भी स्टेज पे
फेडरल गवर्नमेंट बाय रिटर्न ऑर्डर। कब ये ऐसा करेगा, ये वेयर इट अपीयर टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर सच ट्रांसफर शैल प्रमोट द एंड ऑफ जस्टिस। ठीक है, जब उसे लगता है फेडरल गवर्नमेंट को ये ट्रांसफर करना जरूरी है इंसाफ के तकाजों के लिए और पार्टीज या विटनेसेस की आसानी के लिए। अब सेक्शन 4 बेसिकली बता रहा है कि जब ये केस ट्रांसफर होकर स्पेशल जज के पास आता है, एक स्पेशल जज से दूसरे स्पेशल जज के पास, तो उस स्पेशल जज ने उस केस को किस तरह टैकल करना है, मतलब उसके हवाले से उस पर क्या ऑब्लिगेशन है। तो सबसेक्शन 4 स्टेट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस ट्रांसफर टू अ स्पेशल जज बाय विच ऑफ सबसेक्शन 1 और अंडर सबसेक्शन 3, यानी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 के तहत जब एक केस ट्रांसफर होकर स्पेशल जज के पास आता है, तो देन इस जज ने सच जज शैल नॉट बाय रीजन ऑफ अ सेट ट्रांसफर, जस्ट इस ट्रांसफर को जवाब बनाकर नहीं, बी बाउंड टू रिकॉल एंड रिकॉर्ड अगेन एनी विटनेस हु हैज गिवन एविडेंस इन द केस बिफोर द ट्रांसफर। मतलब अगर कोई विटनेस गवाह इस केस के अंदर ट्रांसफर होने से पहले अपनी गवाही रिकॉर्ड करवा चुका है, तो वो पर्सन स्पेशल जज सिर्फ इस केस को ट्रांसफ़र होने की बुनियाद पर इस गवाह को दोबारा से बुलाएगा नहीं, इसकी शहादत को दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करवाएगा। एंड में एक्ट ऑन द एविडेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय और प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, और जो शहादतें पहले रिकॉर्ड हो चुकी कोर्ट के सामने पेश की जा चुकी हैं, जो कि कोर्ट पहले ट्राइड द केस बिफोर द ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफ़र होने से पहले केस डील कर रहा था, वो उन्हीं शहादतों पर रिलाई करेगा। कहने का मकसद ये है कि एक केस एक स्पेशल जज से दूसरे स्पेशल जज की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। अब उस स्पेशल जज ने देखा कि ट्रांसफ़र होने से पहले जाहिर सी बात है वो वैसे तो नहीं बैठे होंगे, हो सकता है शहादतें वगैरह रिकॉर्ड हो चुकी हों और उसके बाद जो है वो केस ट्रांसफ़र हुआ हो, तो वो जस्ट इस केस जवाब पे ना पे कि अब केस ट्रांसफ़र हुआ है तो मैं दोबारा से शहादतें सुनूँ, तो वो ऐसा नहीं करेगा। अगर किसी गवाह की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है, वो कोर्ट के सामने अपना बयान दे चुका, तो उसी चीज़ पे ही रिलाई कर लेगा, जिस तरह जो पहले कोर्ट ने यानी शहादत रिकॉर्ड की होगी तो वो उसी पर रिलाई कर लेगा। ऐसा करने का मकसद ये होता है कि कोर्ट का टाइम होता है प्रीशियस, अगर वो बार बार अब हो सकता है फर्ज करें वो दोबारा से शहादत रिकॉर्ड करना शुरू हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट कहे भाई अब दोबारा से केस ट्रांसफ़र कर दो कहीं, तो इस तरह तो शहादतें रिकॉर्ड होती चली जाएंगी और केस तो चलता ही जाएगा और टाइम ही लगता जाएगा और फैसला आएगा ही नहीं। तो वो कहते हैं कि उसी पर रिलाई करते हुए जो पहली शहादतें कोर्ट ने रिकॉर्ड कर ली पहले वाले ने, उसी पर रिलाई करके आगे फर्दर केस को प्रोसीड करेगा। 203A सेक्शन, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल जज, यानी जैसे कि अब स्पेशल जज ने कोई ऑर्डर पास आउट किया तो क्या इसके खिलाफ अपील की रेमेडी है, 203A सेक्शन इससे डील करता है। सो सेक्शन 203A स्टेट दैट एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल जज शैल लाई टू द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट ऑफ अ प्रोविंस, मतलब जिस सूबे के अंदर वो स्पेशल जज है उसी सूबे के अंदर कोई हाई कोर्ट है उसके पास जो है वो स्पेशल जज के ऑर्डर के खिलाफ अपील कर दी जाएगी विद इन अ 30 डे ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। मतलब इस ऑर्डर के पास आउट होने के बाद तकरीबन एक महीने का आपके पास टाइम पीरियड होता है, उसमें आपने अपील कर देनी होती है रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस में, एंड शैल बी हेयर्ड एज एन अपील अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बाय सिंगल जज ऑफ अ हाई कोर्ट। और जिस तरह CRPC के अंदर सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट अपील सुनता है, इसी तरह ये अपील जो है वो सुनी जाएगी।